गुलबर्गा साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी के जनता दल सेक्युलर एमएलए एस्पिरेंट कृष्णा रेड्डी की जानिब से पब्लिक गार्डन वीरेश कल्याण मंडप के सामने 30 जुलाई को सुबह 11:30 बजे ग्रैंड पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें कर्नाटक का एक्स चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए JDS पार्टी ऑफिस में सीनियर पार्टी लीडर्स, MLA एस्पिरेंट्स, JDS कॉरपोरेटर्स, डिफीटेड कॉरपोरेटर्स, जिला पंचायत मेंबर्स और पार्टी वर्कर्स के बीच एक मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग के जरिए तमाम की मौजूदगी में जनाब नासिर हुसैन उस्ताद, शिव कुमार नाटेकर, शामराव सूरन, कॉरपोरेटर अलीम पटेल, अफजल महमूद, अलीम इनामदार, कलीम एडवोकेट और दीगर तमाम पार्टी के जिम्मेदारों ने गुलबर्गा शहर की आवाम से 30 जुलाई को ग्रैंड पब्लिक मीटिंग में शिरकत करने की गुजारिश की है। गुलबर्गा साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी से JDS MLA एस्पिरेंट कृष्णा रेड्डी हर आए दिन आवाम के बीच नज़र आ रहे हैं। साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम की हर परेशानी को देख गली मोहल्ला विजिट कर कृष्णा रेड्डी आने वाले 2023 MLA इलेक्शन में खुद को एक बेहतर MLA कैंडिडेट साबित कर आवाम के सपोर्ट की गुजारिश कर रहे हैं। कृष्णा रेड्डी की मेहनत और अवामी खिदमात को देख 30 जुलाई को पब्लिक गार्डन वीरेश कल्याण मंडप के सामने सुबह 11:30 बजे ग्रैंड पब्लिक मीटिंग रखी गई है, जिसमें कर्नाटक का एक्स चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी शिरकत कर साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। गुलबर्गा शहर की आवाम से इस प्रोग्राम में शिरकत करने की गुजारिश की गई है। ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖಂಡರು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಟಕರ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಸೂರನ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬಿರ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಆದರೆ ಇದರದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ JDSನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆತ್ಮಬಲ, ಅವರಿಗೆ ಮಾರಲ್ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಇದೆ. 30ನೇ ತಾರೀಕು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ 17-24 ಈ ತರ ಡೇಟ್ ಇತ್ತು, 30ನೇ ತಾರೀಕು ಡೇಟು ಅಣ್ಣವ್ರು ಬರೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಲೀಡರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ್ದಾಗ ನನ್ನ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಕೆಲವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. एक स्ट्राइक के और एक जबरदस्त मुहिम चलाई जो आज तक भी चलाते आ रहे हैं, काफी मेहनत किए हैं. अब हमारी मेहनत का मुजाहरा करना है और कर दिखाना है कि पार्टी को हम किस ओर ले जा सकते हैं. तो मेरा यही बोलना है कि हीरापुर BJP और कांग्रेस जो है ना, वहाँ पर गढ़ था, मंतापा मदरी यहाँ पर मौजूद है और नासिर उस्ताद साहब, सूरन साहब, कृष्णा रेड्डी जी ने काफी जद्दोजहद की और मेरे वालिद भी वहां पर जो है ना मौजूद थे. तुमको कहना चाहता हूं कि 30 तारीख के दिन सुबह 11:30 बजे वीरेश कल्याण मंडप में यहां पर एक बहुत बड़ा समावेश जनाब HD कुमारस्वामी के लीडरशिप में है. आप लोगों को अपनी टीम के साथ, अपने मोहल्ले के लोगों के साथ यहाँ पर आना है, अपनी ताकत बताना है. जनता दल सेकुलर गुलबर्गा साउथ के अंदर भी गुलबर्गे के लोगों को मालूम होना चाहिए, गुलबर्गा साउथ के अंदर भी जनता दल की ताकत बहुत अच्छी है. 2000 इससे पहले यहाँ पर JDS से अपोगड़ा के मदर जीत चुके हैं. यहाँ पर JDS हमेशा सेकंड नंबर या थर्ड नंबर या पर जीत भी रहती है. तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी को कोई कमजोर ना समझे कि भाई 30 तारीख को जो कुमार राणा साहब आ रहे हैं उसकी तैयारी हम किस तरह से करें और ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में ये जो फंक्शन है इसको शानदार तरीके से हैदराबाद कर्नाटक का नहीं, कर्नाटक स्टेट का जो फर्स्ट और इससे अच्छा फंक्शन कोई नहीं करे, गुलबर्गा से मैसेज हमारे को देना है. उसी लिए उसकी तैयारी के सिलसिले में जो है आज यहाँ वर्कर्स की मीटिंग पार्टी ऑफिस में रखी गई है. मैं तमाम वर्कर्स से और लीडर से ये उम्मीद करता हूँ कि भाई आप 30 तारीख के दिन का जो फंक्शन है यहाँ पर आप हमारे जितने भी वर्कर्स हैं और तमाम जितने लीडर्स हैं ये सबका फंक्शन है. 30 तारीख नमेल्लर नायक HD ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ
ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತು ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾಗ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹನುಮಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾಸೀರ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಜ ಮಧ್ಯ ಇದ್ದು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೀಗರ್ ಲೋಕ್ ಅಹಮ್ ತರೀನ್ ಲೋಕ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಆನೆ ವಾಲೆ ಹೈ ಜಿಸ್ ಕೆ ಸಿಲ್ಸಿಲೆ ಮೇ ಉನ್ಕೋ ಬುಲಾನೆ ವಾಲೆ ಜನಾಬ್ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹಬ್ ಜೋ ಆಜ್ ಕೆ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋ ಮುನಕ್ಕಿದ್ ಕಿಯೆ ಹೈ ಔರ್ ಸಾಥ್ ಹಿ ಸಾಥ್ ವೋ ಏಕ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾ ಮಕ್ಸದ್ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ಪೂರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೇ जनता दल सेक्युलर को मजबूत करना और इस मजबूती के साथ साथ जितने भी लोग जनता दल सेक्युलर में जुड़ सकते हैं उनको जोड़ने की कोशिश करना और कृष्णा रेड्डी साहब क्योंकि पिछले कई महीनों से खास करके जब से वो उनके मदर उनके वालिदा इलेक्शन जीत कर आए हैं वो अपनी प्रबल दावेदारी गुलबर्गा साउथ के लिए पेश कर रहे हैं और उम्मीद है हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपने दावेदारी में कामयाब भी हो जाएंगे और जनता दल सेक्युलर के गुलबर्गा साउथ के कैंडिडेट भी बन जाएंगे तो जो कोई सिस्टम और डिसिप्लिन पार्टी के अंदर होते रहता है वो पार्टी की डिसिप्लिन के अनुसार जो है काम कर दिया तो बराबर जो काम हो जाता है अब जो है हमारे जो कृष्ण रेड्डी साहब है उनको मादा जी को आप लोग जो इलेक्शन में ठहर कर तो जीत कराया मैं तो कई दिनों से ऑब्जर्वेशन कर रहे कोई कार्पेटर के इतिहास के अंदर कोई कार्पेटर नहीं कर सकता ऐसा कमिश्नर को बुलाए तो कमिश्नर वो एरिया पर आ जाते हैं ऑफिसर लोग वो एरिया करते हैं लोगों को तकलीफ क्या है वो देख देते हैं वो कृष्ण रेड्डी साहब को ये क्वालिटी आ गया किस तरीके से ऑफिसर से काम लेने का मैं उसको विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कृष्ण रेड्डी साहब आज पार्टी ऑफिस के अंदर आज पार्टी के सीनियर नेता लोग और सीनियर लीडर्स और पूरे हमारे कारपोरेटर्स और डिफिटेड कारपोरेटर्स और ग्राम पंचायती मेंबर्स आज जो यहाँ पे हम लोगों ने एक मीटिंग अरेंजमेंट किए थे आज पूरे लोग यहाँ पे आ गए ये जो मीटिंग का मतलब जो है ये 30 तारीख को कुमार स्वामी साहब हमारे गुलबर्गा साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आज एक समावेश होने जा रहा है वीरेश कल्याण मंडप के सामने आज पूरे पार्टी के लीडर्स हम लोग पूरा आज एक शक्ति प्रदर्शन करना 30 तारीख को बोल के आज पूरे हमारे नासिर उस्ताद साहब हमारे शिव कुमार नाटेकर और हमारे श्यामराव सुरन साहब ये पूरे लीडर्स यहाँ पे आए आज आके आज 30 तारीख का जो भी गैदरिंग करना है उसके बारे में हम लोगों का डिस्कस हुआ है आज पूरे गुलबर्गे के आवाम को मैं दावत देना चाहता हूँ जेडीएस के जो भी सीनियर लीडर्स हैं और जेडीएस में जो जुड़ना चाह रहे वो प्रोग्राम में आना चाहिए आज यहाँ का जो कार्यक्रम हुआ है आज पूरे लीडर्स आज यहाँ पे आके आज बहुत मजबूती से कुमार स्वामी साहब को 30 तारीख के दिन साउथ के अंदर हम लोगों का ताकत बताना बोल के हम लोगों ने फैसला लिया है।